हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर के बारे में, जिसको शॉर्ट में ईडीएफडी बोला जाता है। तो इस सेशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ईडीएफडी क्या होती है, इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होती है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसको किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किस किस इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए समझते हैं कि ईडीएफडी होती क्या है। व्हाट इज ईडीएफडी? Agitated thin film dryer is very modern and dynamic equipment. This shall be used majorly for product layer concentration and in ATP effluent treatment plant. The working principle of this equipment is vaporization under vacuum. ATFD एक बहुत ही एडवांस और गतिशील उपकरण है। इसका मुख्य रूप से प्रोडक्ट लेयर कंसंट्रेशन और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में उपयोग किया जाता है। ATFD में अंडर वैक्यूम वेपराइजेशन प्रोसेस होती है, यही इसका कार्य सिद्धांत है। ATFD क्या होती है, इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि ATFD का जो मीनिंग क्या होती है, यानी कि ATFD जिसको हम लोग एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर बोलते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके नाम में देखिए, जो पहला है एजिटेटेड जो है वो एजिटेटर से लिया गया है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी सोल्यूशन को मिक्स करने के लिए हम लोग एजिटेटर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या सोल्यूशन में मिक्सिंग होती रहे। और थीन फिल्म का मतलब होता है एक पतली फिल्म, एक पतला लेयर। और ड्रायर का मतलब होता है कि, और एजिटेशन के द्वारा हम एक पतले लेयर को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। तो ये पूरा जो सिस्टम है वही क्या है, ATFD है। तो ATFD की जो बनावट होती है वो कैसी होती है, एक आपको सेल जैसा दिखेगा, जो मोटर ऑपरेटेड क्या होती है, मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर रोटर लगे होते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि ATFD का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, ATFD की जो बनावट होती है ऐसी होती है, इसका जो ओवरव्यू देखते हैं तो इसमें जो दिखने में कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप की तरह दिखता है ये जो पोर्शन है। इसका जो निचला हिस्सा होता है कैसा होता है, कॉनिकल शेप की तरह होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ऊपर जो ATFD में क्या लगा होता है, एक मोटर लगी होती है। मोटर को इस रोटर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ड्राइविंग पोली होती है। देखिए यहाँ पर जैसे रेड कलर से दिखाया गया है, इसमें देखते हैं जो ग्रीन कलर की जो चेंबर होता है, इसके अंदर एक लगी होती है टॉप बेयरिंग और एक लगी होती है उसके नीचे मैकेनिकल सील, जो शॉफ्ट में यहाँ पर लगी होती है और शॉफ्ट किससे, रोटर से कनेक्ट है। इसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये आपको जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है बॉर्डर, ये क्या है, ये सेल है। सेल को जैकेटेड किया गया रहता है, कुछ हिस्सा इसका जैसे होता है, जैसे यहां से यहां तक दिखाया गया आपको, ये जैकेटेड होता है। जैकेट में हम लोग क्या देते हैं, स्टीम, यहां से हम लोग स्टीम देते हैं और यहां से जो इसका कंडेंसेट क्या होती है, निकल जाती है स्टीम की। ये होगी अपनी रोटर, जो इनर से जो ब्लैक से आपको दिख रही है, ये जो ब्लू कलर से दिख रही है क्या है, सेल है। यहां पर जो हम लोग फीड देते हैं, जिसको हमको क्या करना, फीडिंग करना होता है, फीडिंग करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन दिया गया रहता है। ठीक है, यहां से देखिए हम फीड यहां से इंटर करते हैं और सबसे निचले हिस्से में आते हैं, तो जो रोटर होता है अपना, रोटर को सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक प्लेट होती है, जैसे कि वो देखने में कैसा लगेगा, एक डिस्क होती है और सेंटर में ऐसी होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में जो सॉफ्ट होती है यहीं पर आके ये टिकी रहती है सेंटर में। तो ये हो गया उसका हिस्सा जो सॉफ्ट क्या होती है, यहाँ टिकी रहती है और उसको सपोर्ट के लिए क्या होती है, एक बॉटम बेयरिंग भी लगी होती है। कई जगह इसमें बुश भी लगा होता है जो बॉटम में सपोर्ट के लिए, तो बुश के द्वारा भी क्या होती है, उस पर लिफ्ट रहती है और यहाँ पर ये ऑयल की एक सर्किट चलती है। ठीक है, यहाँ से ऑयल इन होगा और वहां से ऑयल आउट होता रहता है। कई जगह ऐसा हो सकता है, कई जगह नहीं हो सकता। तो ये तो होती है जो ATFD का जो कंस्ट्रक्शन, इसमें जितने भी जो पाउडर जो जनरेट होता है, जो भी कंसंट्रेट जो होता है, उसको निकालने के लिए यहाँ से हम लोग इसको बॉटम लाइन से यहाँ से निकाल देते हैं। ATFD में प्रोसेसिंग के दौरान जो भी वेपर जनरेट होता है तो यहाँ से निकलता है और वो जाता है साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर की वर्किंग आपको पता है कि ये क्या करता है, सेपरेट करेगा कि जो भी वेपर है उसको अलग सेपरेट कर देगा, जो भी हैवी मटेरियल है या कंडेंसेट है तो उसको यहाँ इस टैंक में आने देता है। कंडेंसेट कलेक्टिंग टैंक है, ठीक है, यहाँ पर एक कलेक्ट हो जाता है और जो भी वेपर होता है वो जाता है नेक्स्ट सेक्शन में, ये है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है कि जो भी वेपर उसको क्या करेगा, कंडेंस करेगा। ये कंडेंसर है, कंडेंसर में अपना जो भी वेपर आया और यहाँ पर आके क्या होती है, कंडेंसेट टैंक में कलेक्ट हो जाती है। इसको कूलिंग के लिए यहाँ पर कूलिंग वाटर इनलेट और आउटलेट की फैसिलिटी होती है। और पूरे सिस्टम में क्या करते हैं, वैक्यूम मेंटेन रखते हैं। वैक्यूम मेंटेन करने के लिए हमको यहाँ पर लगाते हैं वैक्यूम पंप, जो कंडेंसर से कनेक्ट होता है, कंडेंसर साइक्लोन से, और साइक्लोन किससे कनेक्ट होता है, ये ATFD से। तो ATFD के कंस्ट्रक्शन को तो आपने समझ लिया, अब समझेंगे कि ATFD वर्क कैसे करती है, कैसे काम करती है। तो देखिए,
हम लोग ये भी प्लांट में क्या करते थे कि लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को लेते थे। क्या लेते थे? लो कंसंट्रेटेड कोई भी सोल्यूशन है या कोई भी जो अपना प्रोडक्ट है जिसको हम लोग लेते थे और उसको हम क्या करते थे, हाई कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते थे। इसको लो से हाई में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीपल स्टेज में क्या करते थे, इवैपोरेट करते थे और यहां से जो हम क्या करते थे, सॉल्वेंट को रिमूव कर लेते थे। लेकिन उसमें हम लोग देखते थे कि यहां से मान लिया 5% कंसंट्रेशन का कोई भी सोल्यूशन इसके अंदर हम फीड किए तो हमारा जो कंसंट्रेशन हमको मिलता था 70% तक मैक्सिमम मान लीजिए मिलता था, 75% तक भी हो सकता है, इसको हम इसको कंसंट्रेट कर पाते थे। ठीक है, इतना करते थे और यहाँ से हम लोग सॉल्वेंट रिमूव। लेकिन तभी भी देखते हैं कि इसमें अभी भी इसमें सॉल्वेंट रह जा रहा है, इसमें मतलब 100% हम लोग सॉल्वेंट को यहाँ से रिमूव नहीं कर पाए। तो इसको अब 100% यानी कि ये जो है इसमें जितने भी जो कंसंट्रेटेड मास है उसको हमको क्या करना है, पूरा तरह से सेपरेट करना है, इसमें जो सॉल्वेंट है उसको हमको क्या करना है, रिमूव करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मास को भेजते हैं एटीएफडी के अंदर। एटीएफडी क्या करता है, एटीएफडी के अंदर हम उस मास को यहां से फीड करते हैं और यहां से होते हुए वो आता है नीचे की तरफ और यहां आते आते क्या होता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो भी वेपर होती है, वेपर जाती है यहाँ ऊपर और ऊपर से होते हुए जाती है कहां पर, साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर में जितनी भी जो वेपर होती है, वेपर चली जाती है कंडेंसर में और जो हैवी मटेरियल होते हैं, हैवी मटेरियल आके कहां आती है, एक टैंक में। ठीक है, और ये जो वेपर होती है जो आती है कंडेंसर में, कंडेंस होने के बाद यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। यानी कि अगर हम 70% कंसंट्रेशन का कोई भी मटेरियल एटीएफडी के अंदर फीड कर रहे हैं तो उसका जो कंसंट्रेट होगा यानी कि जो पाउडर फॉर्म होगा वो यहाँ आके आपको नीचे जो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो वेपर होगा, वेपर में से जो भी कोई हैवी मटेरियल या कंडेंसेट होगी तो आके यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। इसको हम लोग पंप के द्वारा निकाल लेते हैं, इसको हम लोग फिर से रीप्रोसेसिंग करते हैं क्योंकि ये जो कंडेंसेट होता है उतना अच्छा नहीं होता, अपनी इसमें क्वालिटी नहीं मिलती है। और इसका जो प्योर जो वेपर होता है इसको हम जो कंडेंसेट करते हैं तो ये आके यहाँ पर कलेक्ट होता है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम जो 70% का जो मटेरियल जो फीड किए, 70% कंसंट्रेशन का जो मटेरियल जो फीड किए उसका जितना भी वेपर होता है ये होता है और ये होता है, और ये जो इसका जो सॉल्ट जो जनरेट होता है ये होता है, इसको हम लोग क्या ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये होता है कैसे इसको समझ लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एटीएफडी को स्टार्ट करते हैं। एटीएफडी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते क्या होगा, इसका जो रोटर है वो घूमने लगेगा। तो इसके आरपीएम को हम अपनी सुविधा के अनुसार या हमको जो भी प्रोडक्ट बनाना है या अपनी डिजाइन के अनुसार इसको हम रख लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि इसका जो आरपीएम अभी हमने रख लिया 800 आरपीएम। 800 आरपीएम पे क्या होता है, हमारा एटीएफडी जो है वो चल रही है। ठीक है, यानी कि इसका जो सॉफ्ट है क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है। सॉफ्ट के ऊपर क्या होती है, ब्लेड्स लगी होती है। कुछ ब्लेड्स क्या होती है, फिक्स होती है और कुछ ब्लेड्स क्या होती है, जो फ्लैप करती रहती है, उसको क्या स्क्रैपिंग ब्लेड्स भी बोला जाता है। ये जो आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का क्या है, जो सेल है, सेल के ऊपर क्या होती है, जैकेट होती है। जैकेट के अंदर हम लोग देते हैं स्टीम। क्या देते हैं, स्टीम देते हैं। स्टीम हम यहां से दे दिए और स्टीम के द्वारा क्या करते हैं, जो पूरे जो एटीएफडी का जो सेल होता है इसका जो टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, बूस्ट कर लेते हैं। कितना, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर क्या क्या हो सकता है उसको हमको क्या रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या इसमें टेम्परेचर देते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि हम इसके सेल के अंदर इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कि इसका जो टेम्परेचर हो जाता है 145 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाता है, 145 डिग्री सेंटीग्रेड। हम स्टीम जैसे यहाँ लाइनअप करेंगे तो पूरे सिस्टम में क्या होगा, जो जैकेट है, जैकेट में क्या होगा, टेम्परेचर 145 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होती है और इसका जो कंडेंसेट होता है स्टीम का वेस्ट होने के बाद यहाँ से निकलने लगता है। तभी क्या होगा, हमारा एटीएफडी हाई आरपीएम पर चल रहा है जिसका आरपीएम 800 है और इस पूरे जैकेट में क्या है, टेम्परेचर कितना है 145। तो जो इसके इनर सेल पे भी टेम्परेचर कितना होगा, 145 होगा। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो 70% जो कंसंट्रेशन का जो फीड है इसके अंदर हम देते हैं तो फीड आता कहां पर, इसके ऊपर आग लगेगा। कहां आएगा, इसके ऊपर। ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हमारा जो भी फीड हम कर रहे हैं तो फीड हमारा जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वल यानी कि अगर हम इसको यहां पर दे रहे हैं और यहां से अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के ऊपर नहीं देंगे तो यहां से आके क्या होगा, ये इसी साइड क्या होगा, एक आके गिरता रहेगा, एक अपना एक चैनलिंग बना लेगा। तो ये ना हो इसलिए हम लोग क्या कहां पर फीड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के ऊपर ही क्या करते हैं, फीड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के ऊपर। जैसे ही फीड होगा तो क्या होगा, देखेंगे आप हाई आरपीएम से चल रहा है इसको क्या करेगा, पूरी चारों तरफ क्या होगा, ये वॉल के ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे वॉल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या होगा, यहां से ऊपर से बायग्रेविटी क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और इतना हाई आरपीएम पे है तो इसमें क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने की वजह से क्या होगा, ये जो जितने भी अपने जो हैवी मटेरियल से क्या होगा, इसके जो सेल के इनर वॉल में यहां पर आके ये
टकराएंगे और टकरा के क्या इनसे रब करते हुए धीरे 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 क्या नीचे आएंगे। जो रोटर है और जो सेल के बीच में जो क्लियरेंस होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि जो सॉफ्ट का जो ब्लेड्स होती है वो क्या करती है जो सेल के ऊपर रब करते हुए चलती है, यानी कि उसको रगड़ते हुए चलती है, रगड़ते हुए चलेगी तो इसके बीच में जो भी मटेरियल आएगा वो क्या करेगी उसको स्क्रैप करेगी, क्या करेगी स्क्रैप करेगी। तो यही होता है जैसे इसके अंदर हम फीड करते हैं और इसका जो इनर जो सेल है सेल का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि इसमें जो भी वाटर है या जो भी सॉल्वेंट है वो इससे टच में आते क्या होता है वो वेपराइज होने लगता है और जो ब्लेड्स होते हैं ब्लेड क्या करती है उसको स्क्रैप करती रहती है। अगर वेपर बन गया तो उसमें क्या बचेगा जो कुछ ना कुछ सॉलिड बचेगा, तो सॉलिड को क्या स्क्रैप करते रहेंगे तो क्या होती है जो जो ब्लेड उसको स्क्रैप करे तो ब्लेड से जैसे ही जो सॉलिड क्या स्क्रैप होगा स्क्रैप होते होते क्या होता है वो नीचे की तरफ आता है और नीचे तरफ आते आते क्या होती है पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ आपको जो पाउडर जो मिलता है यहाँ जो नीचे जो पाउडर जो कलेक्ट होता है उसका जो मॉइस्चर देखा जाए तो 10-15% मैक्सिमम होना चाहिए, जितना कम है इसके अंदर मॉइस्चर तो उतना ही अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम जो परमिसिबल जो है वो 10-15% प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी हो सकता है। तो फीड तो हमने यहाँ से दे दिया और जो भी कंसंट्रेट था हमको यहाँ पर मिल गया, लेकिन जो भी वेपर यहाँ से जो जनरेट हो रहा था जो कहाँ जा रहा था ऊपर की तरफ, कहाँ लिफ्ट करेगा वेपर ऊपर की तरफ जाएगा, तो वेपर जाता कहाँ पर साइक्लोन सेपरेटर में। साइक्लोन सेपरेटर का फंक्शन आपको पता है कि साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, एक तरह का सेपरेटर होता है जिसमें साइक्लोनिक मोशन के द्वारा क्या होती है सेपरेट करती है इसमें जो हैवी जो मटेरियल्स है या जो अपना वाटर रहेगा जो यहाँ से लिफ्ट करते करते जो कंडेंस हो जाता है वो कहाँ आएगा नीचे, यहाँ से कंडेंस होकर यहाँ पर इस टैंक में आके कलेक्ट हो जाएगा और जो वेपर है या जो नॉन कंडेंसिबल कोई गैस है तो वो कहां जाएगी ये इस लाइन के थ्रू जाएगी कंडेंसर में। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर में हम लोग एक साइड से कूलिंग वाटर को इन करते हैं और दूसरे साइड कूलिंग वाटर को आउट कर लेते हैं। कूलिंग वाटर जो इनलेट है इसका टेम्परेचर क्या होता है डाउन होता है और जो वेपर का टेम्परेचर क्या है वो ज्यादा है, तो जैसे इनको कॉन्टेक्ट में आता है जो वेपर है वो क्या होता है कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होने के बाद इस लाइन से इस टैंक में आके कलेक्ट हो जाता है। पूरे सिस्टम में वैक्यूम मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लगा होता है वैक्यूम पंप के द्वारा पूरे सिस्टम में क्या होती है वैक्यूम मेंटेन होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होते हैं पूर्ण रूप से कनेक्ट होते हैं। और वैक्यूम पंप के द्वारा एक चीज और होता है कि इसमें अगर कोई नॉन कंडेंसिबल गैस है जो ट्रेवल कर रही है तो यहाँ से इसके द्वारा क्या होती है एग्जिट हो जाती है। तो इसी प्रकार से एटीएफडी के अंदर फीड की प्रोसेसिंग करते हैं और जो कंसंट्रेटेड मास को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो अगर एटीएफडी के स्पेशल फीचर और एडवांटेज की बात करें तो एटीएफडी में जो स्केलिंग बहुत ही कम होती है यानी कि ना के बराबर होती है क्योंकि इसके अगर सॉफ्ट के और सेल के बीच का जो क्लियरेंस देखा जाए तो बहुत ही कम होता है, इसलिए इसमें जो स्केलिंग की प्रॉब्लम नहीं के बराबर ही आती है। एटीएफडी में हम लोग जिस भी ब्लेड को क्या करते हैं फीड करते हैं या जिस भी मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं फीड करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेट मिलता है इसमें हम लोग देखते हैं जो एलओडी जो वैल्यू आती है बहुत ही कम होती है क्योंकि इसमें हम लोग जो सॉल्वेंट का मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं रिकवरी कर पाते हैं अप्रोक्सीमेट लगभग देखा जाए तो 100% के आसपास। एटीएफडी में जो फीड करते हैं तो देखते हैं सेकेंडो में ही यहाँ हमको कंसंट्रेट मिल जाता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसका जो रेजिडेंस टाइम हम लोग देखते हैं बहुत ही कम होता है। और एटीएफडी क्या है सिंगल स्टेज स्ट्रिपर है और सिंगल पास ऑपरेटर भी है और एटीएफडी का जो हीट ट्रांसफर रेट है बहुत ही हाई होता है। तो अगर एटीएफडी की यूज की बात की जाए तो एटीएफडी का जो यूज है बहुत ही लार्ज स्केल में बहुत सारे इंडस्ट्री में किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करने के लिए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को कंसंट्रेट करने के लिए एटीएफडी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम में वेस्ट वाटर को कंसंट्रेट करना होता है तो वहां पर एटीएफडी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी विस्कस मटेरियल से हाई वोलेटाइल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी एटीएफडी का इस्तेमाल किया जाता है और देखा जाता है कि कंटिन्यूअस ड्राई पाउडर को डेवलप करने के लिए भी एटीएफडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री में देखा जाए एटीएफडी का इस्तेमाल तो जो वेजिटेबल के स्ट्रैक्ट हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए, जो एनिमल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए, जो शुगर होती है उसको कंसंट्रेट करने के लिए, जो बायो एसिड है बायो अल्कोहल है अमीनो एसिड है और बहुत सारे ऐसे जो प्लांट के जो स्ट्रैक्ट होते हैं उनके प्योरिफिकेशन और कंसंट्रेशन के लिए भी एटीएफडी का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में वेस्ट वाटर और स्पेंट लिकर को कंसंट्रेट करने के लिए, सॉल्वेंट रिकवरी करने के लिए भी एटीएफडी का इस्तेमाल किया जाता है, जो पिगमेंट को कंसंट्रेट करने के लिए उसको ड्राई करने के लिए भी एटीएफडी का इस्तेमाल किया जाता है, बोरान कार्बाइड बोरान नाइट्राइड को वेस्ट वाटर से रिकवरी के लिए भी एटीएफडी का इस्तेमाल किया जाता है।
तो आज के सेशन में आपने जाना है कि ईडीएफडी क्या होती है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ईडीएफडी के वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में जाना है, ईडीएफडी के एडवांटेज और यूज के बारे में जाना, और ईडीएफडी के स्कोप के बारे में जाना कि ईडीएफडी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिए। अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।